नमस्कार, आदाब, जय हिंद। मैं किशन गुप्ता अपने चैनल इंस्पेक्टर किशन के में एक बार फिर स्वागत करता हूं और माफी चाहता हूं इतने देर से वीडियो डालने के लिए। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, मैक्सिमम स्कोर कैसे करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है और भी बहुत कुछ। क्वेश्चन के फॉर्मेट में निकालूंगा, उसका आंसर दूंगा और लास्ट में आपको डूज एंड डोंट्स बताऊंगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टू स्कोर मैक्सिमम। किस तरीके से मॉक को अटेम्प्ट करें कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकें। अब मैं आपको यहां पर चीज बताता हूं। 100 क्वेश्चंस के मॉक में 65 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप वन गो में कर सकते हैं और यहां पे आता है कंसेप्ट स्किपिंग का। आपको क्वेश्चंस को स्किप करना है। अब क्वेश्चन को स्किप कैसे करना है? क्वेश्चन को स्किप करने के लिए आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि क्या इस क्वेश्चन को मैंने फर्स्ट टाइम लगा रहा हूं या पहले मैं लगा चुका हूं, या फर्स्ट टाइम जब मैं लगाया था तो क्या इस क्वेश्चन में मैं स्टक हुआ था या वन गो में मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया था। इन सारी चीजों को देख के, आप क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को लगा सकता हूं, तो आपको लगा देना है। वन गो में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आप आगे निकल जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 65 इजी क्वेश्चन है जो वन गो में हो सकते हैं उनको आपको पहले अटेम्प्ट करना है ताकि आप कुछ स्कोर अपना फिक्स कर सके। उसके बाद जो समय आपका बचता है उसमें आप और भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। इससे आप बहुत ही ज्यादा मैक्सिमाइज कर पाएंगे अपने स्कोर को। स्किपिंग स्किपिंग बहुत ही जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मॉक टेस्ट देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा मॉक टेस्ट देना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूं कि मैं टेस्ट बुक को यूज करता था, आज से नहीं, पूरी तैयारी मैंने टेस्ट बुक को यूज किया है। हाँ, लेकिन आपको टेस्ट बुक के मॉक्स भी अगर देने हैं, मैं यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मॉक टेस्ट भी आपको देना है तो जरूरी नहीं है कि आप टेस्ट बुक के जो स्पेशल मॉक्स हैं, स्टैंडर्ड मॉक्स हैं, उनको दें। टेस्ट बुक पे जाके आपको प्रीवियस ईयर के ही मॉक्स देने हैं, ओनली प्रीवियस ईयर। आपको जो मॉक्स भी अटेम्प्ट करना है वो भी मॉक्स प्रीवियस ईयर ही होना चाहिए। टेस्ट बुक में इसलिए कह रहा हूं कि उसमें बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में वहां पे आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। हर ईयर का प्रीवियस ईयर है आपके पास, वहां पे जाके आप उसको कम्प्लीटली एक एक मॉक को दे सकते हैं। तो वहां से आप टेस्ट बुक, मैं सजेस्ट कर रहा हूं आपको टेस्ट बुक को लीजिए, टेस्ट बुक के सारे प्रीवियस ईयर के मॉक्स दे दीजिए। जब वहां से आप क्लियर हो जाए, सारे प्रीवियस ईयर आपको याद हो जाए, तब आपके उसके स्टैंडर्ड मॉक्स देके आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए कि रोल क्या है मॉक टेस्ट का हमारे प्रिपरेशन में। तो मैं आपको बताऊं कि मेरी पढ़ाई और मेरी तैयारी सब कुछ डिपेंड थी मेरे मॉक पे, क्योंकि मैं रोज डेली स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। सुबह एक मॉक देता था, हर रोज एक मॉक टेस्ट देता था और रात में सोने से पहले उसको एनालाइज करता था। पूरे दिन मैंने पढ़ाई की या ना की हो, लेकिन एक मॉक टेस्ट देना और उसको एनालाइज करना, वो मेरा डेली का रूटीन था। तो जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो स्टार्टिंग में बच्चे कहते हैं कि अभी तो तैयारी कर रहे हैं तो मॉक कैसे दें, अभी सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है तो मॉक कैसे दें। नहीं, बिल्कुल आपको मॉक टेस्ट डेली देना है, आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो। मॉक देने से क्या होगा कि आप डेली 100 क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हो। हाँ, अगर आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप हर दो दिन पे एक मॉक दे सकते हैं, लेकिन अगर सिलेबस आपका 50% से प्लस में जा रहा है तो आप डेली एक मॉक दीजिए, उसको एनालाइज करिए। डेली का ये रूटीन बिल्कुल रखिए, ये आपकी तैयारी को बिल्कुल समझ लीजिए कि जेनिथ पे लेके जाता है, बॉटम से जेनिथ पे जाती है आपकी तैयारी मॉक से। जितना ज्यादा मॉक अटेम्प्ट करेंगे आप, उतना ही ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा कि कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है। ये सारी चीजें आप मॉक देकर ही सीखेंगे, एक्सपीरियंस होगा उससे, और आप सारे एक्सपीरियंस को अपने एग्जैक्ट पेपर में, जो आपका एक्चुअल पेपर होगा, एग्जाम होगा, उसमें आप यूज कर सकते हैं। ये तो था रोल। अब अगला क्वेश्चन बता रहा हूं आपको कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है। जैसे मेरा सेक्शन स्ट्रांग था इंग्लिश, मैं पेपर स्टार्ट होते ही सीधे इंग्लिश पे जम करता था और इंग्लिश पे जम करता था। और आपको जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, इंग्लिश करने मुझे ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगते थे या 6 मिनट लगते थे मैक्सिमम। तो मैं जितना अच्छा हो सकता था इंग्लिश को कंप्लीट कर लेता था 6 मिनट में, ताकि मैं मैक्सिमम स्कोर इंग्लिश में कर सकूं। उसके बाद मैं अटेम्प्ट करता था जीके को, क्योंकि जीके मुझे उतना आता नहीं था, तो मुझे पता था कि 2.5-3 मिनट लगने हैं। जो क्वेश्चन 25 में से 10-12 क्वेश्चन मेरे को आएंगे, वही क्वेश्चन टिक करना है, तुक्के तो मारने नहीं है, तो जीके अटेम्प्ट हो गया। तो ऐसे मेरा क्या पता था कि 10 मिनट में मेरे दो सेक्शन कंप्लीट हो जाते थे, 10 से 12 मिनट में मेरे दो सेक्शन कंप्लीट हो गए। अब मेरे पास टोटल 48 मिनट्स बचे हुए हैं जिसमें मुझे दो सेक्शन करना है केवल,
जिसमें रीजनिंग के लिए मैं लेके चलता था 15 से 16 मिनट, अब जो अब के पैटर्न आ रहे हैं, इससे पहले के जो पैटर्न थे उसके रीजनिंग करने में आपके 8 से 10 मिनट लगते थे, लेकिन अब के पैटर्न में आप कम से कम 15 मिनट लेके चलेंगे रीजनिंग के लिए, उसके बाद भी आपके पास बचते हैं 33 मिनट्स। और मैं ये करता था लास्ट में मैथमेटिक्स को देता था 33 मिनट्स। तो आपको मैं एक एक्चुअल बहुत ही सच्चाई एक बड़ी बात एक बताऊं आपको, कि पेपर जो होता है 1 घंटे का, 60 मिनट का जो टाइम दिया गया है, वो 60 मिनट आपको मिलते नहीं है, आपको टोटल 50 मिनट ही मिलते हैं। उसमें हर एक चीज काउंट होता है, आपका अटेंडेंस लेना, जब आपको आके बीच में डिस्टर्ब करते हैं अटेंडेंस के लिए, आप माउस को कर्सर को ले जाके क्वेश्चन के आंसर पे टिक करते हो, हर एक क्वेश्चन का 1 सेकेंड मतलब 100 सेकेंड्स आपका जाता है। 100 सेकेंड्स मतलब आप समझ रहे हैं, 100 सेकेंड मतलब आपके 2 मिनट के आसपास वहां निकल गया। बहुत सारी छोटी छोटी डिस्टर्बेंस आती हैं, आप कहीं स्टक हो जाते हो, तो आपका टोटल ओवरऑल पेपर जो होता है वो सिर्फ होता है 50 मिनट का। आपको 50 मिनट में ही सारे सेक्शंस को कंप्लीट करना है। 10 मिनट या 8 मिनट तो आप मान के लिए कि माउस से क्वेश्चंस के आंसर्स को टिक करने में चला गया, माउस को ठीक करने में चला गया, रफ शीट से देखना है, स्क्रीन पे देखना, ये सारा सारा समय काउंट हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, और जितना स्पीड में आप कर सकते हैं उतना स्पीड में आपको करना है। मैं आपको बता रहा था कि 33 मिनट्स मेरे पास बचते थे, मिनिमम 30 मिनट्स मैक्सिमम मेरे पास बच जाते थे मैथ्स के लिए, और मैं कंप्लीट 30 मिनट्स मैथ्स को देता था, और उसमें मैं 25 में 23 24 क्वेश्चंस को निकाल देता था। लास्ट में 1-2 मिनट बच जाते थे, तो मैं कभी कभी रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस फंसे हुए हैं तो उनको देख लिया, नहीं तो नहीं टाइम बचा तो कोई बात नहीं, 1 गो में ही मेरा पेपर हो जाता था। इस तरीके से मैं अटेम्प्ट करता था। आपका डिफरेंट हो सकता है, आपको डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपको उस सब्जेक्ट को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर मैथ्स आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है फिर भी आप मैथ को पहले अटेम्प्ट मत करिए, पहले आप जो छोटे छोटे सेक्शन है जो जल्दी हो सकते हैं 3 सेक्शन को जल्दी खत्म करके कंप्लीट टाइम बचाइए मैथ्स के लिए, कम से कम 30 मिनट, 27 से 30 मिनट बचाइए, और उसमें मैथ्स को अटेम्प्ट करिए, आपका स्कोर 100% एनहांस हो जाएगा। मैंने आपको बता ही दिया, अगला क्वेश्चन भी मेरा यही था कि कौन से सेक्शन को पहले करना है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट कौन सा है, उसी सेक्शन को सबसे पहले अटेम्प्ट करिए, उसके बाद जीके अटेम्प्ट करिए। मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि 10 मिनट में हम 2 सेक्शन को कंप्लीट कर ले, रीजनिंग और मैथ्स को छोड़ के, उसके बाद जो समय बचता है उसमें हम रीजनिंग मैथ्स को कंप्लीट टाइम देके क्लियर करेंगे। आपको ध्यान जरूर रखना है स्किपिंग, स्किपिंग बिल्कुल ही ध्यान रखना है, स्किपिंग आना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को स्किप नहीं करते हो, स्टक हो जाते हो क्वेश्चन में, तो आप पूरा क्वेश्चन पेपर कभी अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, आप बीच में ही रुक जाओगे 67, 68, 69 क्वेश्चन तक पहुंच के, और स्कोर आपका जानती है, क्योंकि आप अगर 70 सवाल कर रहे हो तो उसमें 5 सवाल गलत भी होने हैं, ह्यूमन एरर है वो। ये तो थी चीजें आपको क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। अब मैं आपको एक स्लाइड्स दिखा रहा हूं डूस एंड डोंट्स के, क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है। सबसे पहले हम देखेंगे डोंट, क्योंकि मैं आपको हमेशा से बताता हूं कि डोंट बहुत जरूरी है, क्या नहीं करना है ये जानना बहुत जरूरी है तैयारी के रास्ते पे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डोंट्स, डोंट्स में क्या नहीं है। डोंट्स में सबसे पहले आपको कि इंटरेस्ट लूज नहीं होना चाहिए पेपर देने से पहले, जब भी आप मॉक, पहला पॉइंट है इंटरेस्ट लूज नहीं होना चाहिए, एकदम जब मन करे तभी एग्जाम देना। ऐसा नहीं है कि अरे यार आज एग्जाम देना है, नहीं, हाँ मुझे एग्जाम देना है आज, चलते हैं उसको एग्जाम को आज देके एक मॉक देते हैं उसको, देखते हैं कि मैं कहाँ पे मेरी तैयारी पहुंची है। इंटरेस्ट लूज नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, फोकस लूज नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग मॉक। आप जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका फोकस लूज नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल रफ सीट पे देखेंगे एक बार और एक बार स्क्रीन पे देखेंगे, इसके अलावा आप कहीं भी नहीं देखेंगे। थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, माउस को खुद से दूर नहीं रखना है, और पेन को साथ में रख के माउस से टिक करना है क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है कि एक बार पेन को जमीन पर रखा, फिर माउस को उठाया, फिर माउस से कर्सर से लेके क्वेश्चन को टिक किया, फिर माउस छोड़ा, फिर पेन उठाया, फिर शुरू किया, नहीं, पेन को बिल्कुल नहीं छोड़ना, पेन को उंगलियों में फंसा के रखिए, माउस को अपने पास रखिए, तुरंत टिक करिए, तुरंत अगले क्वेश्चन पे स्विच करिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत टाइम लगता है। एक बार आप क्वेश्चन को टिक करते हो, उसके बाद ले आते हो नेक्स्ट पे टिक करते हो, कभी कभी 1-2 बार करना पड़ता है, उसमें टाइम जाता है। इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि 50 मिनट से ज्यादा आपको पेपर में टाइम नहीं मिलता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, किसी क्वेश्चन में आपको स्टक नहीं होना है। अगर आपको क्वेश्चन लग रहा है कि मैं कर सकता हूं, फर्स्ट गो में किया हुआ हूं, तो करेंगे, नहीं तो उस क्वेश्चन को स्किप करेंगे और बाद के लिए छोड़ेंगे, जो इजी क्वेश्चन है उनको पहले करेंगे। थर्ड चीज, रफ शीट को गंदा नहीं करना, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारे मॉक में, ये हमारे दिमाग को ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प करता है। अगर आप रफ शीट को गंदा कर देते हो, जहां मन तहां क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, जो भी डेटा कहीं भी नोट कर दिए, तो आप उसमें पजल्ड हो जाओगे, आपका माइंड ऑर्गेनाइज नहीं होगा और आप वहां पे सिली मिस्टेक करेंगे। इसलिए रफ शीट को गंदा नहीं करना है। रफ शीट को यूज करने का तरीका क्या है, रफ शीट को आपको ब्लॉक्स में बांट देना है, पेन से ब्लॉक्स में बांट दीजिए और एक एक ब्लॉक में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इससे आपका क्या होगा, माइंड ऑर्गेनाइज रहेगा और सिली मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे, और वही ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको
रफ सीट यूज करना है। अब आते हैं हम डूज पे, क्या आपको करना है। मॉक स्टार्ट करने से पहले आपको एक लंबी सी सांस लेनी है कि यस मैं अब मॉक अटेम्प्ट करने जा रहा हूं, बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अब बिना मूड के, चलो भाई एक है अपने रूटीन में तो मॉक दे देते हैं खत्म करते हैं, नहीं, बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी के साथ आपको मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए बैठना है। पेपर स्टार्ट करने से पहले लंबी सी सांस लेनी है और कहना है कि यस बस अब इस मॉक को कंप्लीट करना है, मुझे अच्छा से अच्छा स्कोर करना है। थर्ड चीज, पेपर स्टार्ट, सेकंड आपका पेपर स्टार्ट करने से पहले ही आपको यह ध्यान रखना है कि आपको कौन सा सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, ये बहुत जरूरी है। पेपर स्टार्ट किया और डायरेक्ट उस सेक्शन पे जंप किया और सेक्शन को कंप्लीट किया। थर्ड स्किपिंग मैं आपको बता चुका हूं, बार बार इस पर मैं बता रहा हूं क्योंकि स्किपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्किपिंग के अलावा और कोई चारा नहीं है मैक्सिमम स्कोर करने का, आप स्किप करके ही क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं लास्ट में उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। फोकस, बिल्कुल फोकस्ड होकर पेपर देना है, फोकस लूज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पे देख रहे हैं तो क्वेश्चन पे देखेंगे, रफ शीट पे देख रहे हैं तो रफ शीट पे देखेंगे, फोकस लूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और रफ शीट के बारे में आपको बताई दिया मैंने, रफ शीट को कैसे यूज करना है, गंदा नहीं होना चाहिए रफ, साफ होना चाहिए, चीजें राइटिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, ताकि आप अपने ही डेटा को देख के कंफ्यूज ना हो कि मैंने 5 लिखा है या 3 लिखा है या 9 लिखा है। वहीं से सिली मिस्टेक, सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक हमारा रफ शीट की वजह से ही होता है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो रफ शीट को ध्यान से यूज करिए और ये सारी चीजें थी डूज एंड डोंट्स। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है। मॉक टेस्ट दे दिया, मॉक टेस्ट में डूज एंड डोंट्स देख लिए, अब मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है ताकि आने वाले मॉक्स में मैं और अच्छा स्कोर कर सकूं, तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या जो मेरा टेलीग्राम पे सीजीएल एलेक्सी बाई केके का एक ग्रुप है आप उसको ज्वाइन करिए और वहां पे अपने डाउट्स, कोई भी डाउट्स कभी भी पूछ सकते हैं, मैं सारे डाउट्स के आंसर देता हूं वहां पे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस वीडियो को यहीं पे विराम देंगे और अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।